जयंत, मैं अरविंद राय, नेक्स्ट सर्विसमैन, और 18 साल आर्मी की नौकरी करने के बाद एक साल हुआ मेरे को राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज बाली में एज ए स्पोर्ट्स टीचर ज्वाइन किया है। इसी के अंतर्गत हमारे स्कूल में स्काउट्स का प्रथम सोपान है सर, द्वितीय प्रथम द्वितीय और तृतीय सोपान चल रहा है। तो आज हम जानेंगे कि स्काउट्स के बेनिफिट क्या हैं स्टूडेंट लाइफ में, क्योंकि अधिकांशतः लोगों को पता ही नहीं है कि स्काउट लेने से फ़ायदा क्या है। और जैसे एनसीसी के बारे में बहुत हाईलाइटेड है कि एनसीसी के बहुत फ़ायदे हैं, वैसे मेरे हिसाब से स्काउट के भी हैं, लेकिन जानकारी बहुत नगण्य है। तो मैं गुप्ता सर से पूछेंगे, जो इनके इंस्ट्रक्टर हैं, और आदित्य जी इंस्ट्रक्टर हैं, साथ में हमारे दोस्त भाई मान के चलिए भी एक प्रवक्ता है और हमारे स्कूल में ही है। तो इन लोगों से जानकारी लेंगे कि स्काउट के क्या क्या फ़ायदे हैं, और आप चारों तरफ व्यू देख लीजिए, बच्चे क्लास अटेंड कर रहे हैं, बच्चे देखिए चारों तरफ हैं, इनको टास्क दिया गया है कल का फूड इंस्पेक्शन होगा कल का खाने का, वो तैयारी इसलिए है कि आप जंगल में कैसे सर्वाइव करेंगे, वार सिचुएशन में कैसे सर्वाइव करेंगे, या कुछ डिजास्टर मैनेजमेंट है उस टाइम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो भैया से जानेंगे कि भैया इन बच्चों का इन फ्यूचर इसका क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। सबसे नाम बताइए अपना। मैं शशांक कुमार गुप्ता, असिस्टेंट लीडर ट्रेनर महाराज में, और अभी जैसा कि ये प्रथम द्वितीय सोपान ट्रेनिंग विद्यालय में संचालित हो रही है, आज दूसरा दिन बच्चों को वैल्यू ऑफ सर्टिफिकेट के बारे में जानकारी दी गई, जिसके बारे में कि विभाग ने जो बच्चों के लिए सेटअप प्लान बनाया है प्रवेश से लेकर के राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए, कि बच्चा 6 से लेकर 12th तक की कक्षाओं में प्रवेश से लेकर राष्ट्रपति पुरस्कार तक बच्चा स्टेप बाय स्टेप करके अपने गतिविधियों पर काम करता है, और ये प्रमाण पत्र जो बच्चे को प्राप्त होते हैं प्रथम सोपान, द्वितीय सोपान, तृतीय सोपान, राज्य पुरस्कार और राष्ट्रपति पुरस्कार, जिसके वेटेज के रूप में बच्चा आगे विभिन्न गतिविधियों में उस वेटेज को लगा करके अपने कार्य को करता है। कि जैसे कि तृतीय सोपान प्रमाण पत्र पाते ही बच्चे के साथ जुड़ते हैं 5 अंक के वेटेज, जैसे कि विभिन्न ऐसे विभाग हैं जैसे कि उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, जिसमें दो वर्ष पहले एक वैकेंसी आई हुई थी जिसमें फार्म पे मेंशन था कि अगर स्काउट गाइड का तृतीय सोपान प्रमाण पत्र है तो लगा करके वेटेज प्रमाण पत्र लगा करके उसमें आज तमाम सारे लोग जॉब कर रहे हैं। और जैसा कि रेलवे में स्पेशल कोटे की एक वैकेंसी आती है जिसमें लिखा होता है कि केवल स्काउट गाइड रोवर सेंजर के लिए, कि वो फार्म केवल स्काउट गाइड और रोवर सेंजर कोटे के लिए वो फार्म गवर्नमेंट निर्गत करती है, कि जिसमें केवल स्काउट गाइड और रोवर सेंजर के व्यक्ति का ही चयन होता है, जिसमें तमाम सारी कैटेगरियाँ उसमें लगाई गई हैं कि बच्चा राष्ट्रपति पुरस्कार हो, कम से कम उसके पास 2 नेशनल प्रोग्राम वो बच्चा किया हो, और उसके बाद से उसके साथ है कि कम से कम 4 साल तक वो विभाग में रेगुलर गतिविधियों में काम किया, और इस तरीके से बीएड विभाग, डीएलएड विभाग, इस तरह के तमाम ऐसे विभाग है जिसमें एंट्रेंस एग्जाम के दौरान ये प्रमाण पत्र लगा करके उस बच्चा बीटेज के रूप में वो अपने के साथ जुड़ता है। जानकारी मुझे भी पहली बार मिली है कि स्पेशल कैटेगरी से भर्ती है रेलवेज में स्काउट्स गाइड्स के लिए होती है, तो इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बच्चे भी जान गए, और आदित्य जी से पूछेंगे कि यंग एज में इसको सीखने का क्या बेनिफिट है। ये है कि आगे हमारी गतिविधियाँ, इसी अगर हम बाई चांस मान लीजिए अगर कहीं भूकंप आ जाता है उसमें ज़्यादा, तो हम लोग कहाँ टेंट छोटा सा घर बना के रह सकते हैं उस समय के लिए, और मान लीजिए कहीं आग लग गई उसके लिए कुछ ट्रेनिंग हो जाती है। आदित्य जी ने बहुत बढ़िया बताया जो मैंने पहले बोला था कि ये जो ट्रेनिंग है आपको डिजास्टर मैनेजमेंट में भी काम करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट मतलब कि प्राकृतिक आपदा जैसे भूकंप, और मान लीजिए कोरोना में भी काफ़ी स्काउट्स बच्चों ने हेल्प किया था, और उसके बाद हमारे कॉलेज हैं, हमारे भाई हैं, और ये देख रहे हैं हमारे स्कूल का। अब इनसे पूछेंगे कि पहले की अपेक्षा अभी स्काउट में क्या क्या बेनिफिट है और क्या क्या इनकी एडमिशन बढ़े हैं कि घटे हैं। एडमिशन तो लगातार भारत स्काउट गाइड और से लेकर के बढ़ते ही जा रहे हैं, और जैसा कि बात कर रहे हैं सर, बताया स्काउट गाइड के बेनिफिट के बारे में, तो मैं भी कुछ बताना चाहूँगा कि जैसे स्काउट गाइड जो प्रथम सोपान का चर्चा लगा है, उसके पहले दिन हमारे विद्यालय के प्रधानाचार्य विद्या समिति अग्रवाल सर ने बताया कि जब भी आप किसी मंदिर में प्रवेश करते हैं तो जो आप पूजा की थाली लेकर जाते हैं उसमें फूल माला, मिठाइयाँ, बाकी चीज़ें लेकर के नियुक्ति करते हैं, और जब वापस होते हैं मंदिर से तो वही फूल माला की थाली एक प्रसाद के रूप में हो जाती है। तो हमारा जो विद्यालय राष्ट्रीय इंटरमीडिएट कॉलेज बाली निचुरा महाराजगंज में स्काउट गाइड का जो प्रथम एवं द्वितीय सोपान का 3 दिवसीय प्रशिक्षण चल रहा है,
उसका यही उद्देश्य है कि जो हमारे विद्यालय की या जहाँ कहीं भी स्काउट गाइड का प्रशिक्षण दिया जा रहा है उसका मूल उद्देश्य है कि यहाँ से बच्चे यह प्रशिक्षण करके निकलते हैं तो उनके जो नॉर्मल गतिविधियाँ हैं उनमें किस प्रकार से किस तरह का सुधार हो सकता है वो हमारे प्रशिक्षणकर्ताओं द्वारा उस तरह की गतिविधियों के बारे में बताया जाता है जिसे आए दिन बच्चे धीरे मतलब जीरो से शून्य से शिखर की तरफ बढ़ते चलते। थैंक यू सर। आदित्य सर एक चीज़ और मैं बताइए, क्या ये प्राइवेट स्कूलों में भी है क्या इसका? हाँ, प्राइवेट स्कूलों में भी है, गवर्नमेंट विद्यालयों में भी, प्राइवेट विद्यालयों में भी स्काउटिंग की गतिविधियाँ चलती है। 6 से 12 तक की कक्षाओं के लिए स्काउट गाइड और क्या है कि प्राइमरी विद्यालयों में इसी को हम कबीन के कब और बुलबुल के नाम से जाना चाहते हैं, कॉलेजों में इसी को रोबर्स और रेंजर्स के नाम से जाना, ये दोनों के लिए अभी भी जाते हम लोग उस समय पहले बाकी शताब्दी टाइम के वहाँ पर जिले का जनपद ही रह गया तो उसमें वहाँ पे हमारे सर लोगों ने बताया कि अभी जल्द ही भारत सरकार द्वारा CBSE और जितने भी इंग्लिश मीडियम स्कूल हैं उसमें भी स्काउट गाइड को मान्यता दी गई कि अब वहाँ पर भी ट्रेनिंग संचालित कराई जाए जिससे वहाँ के भी बच्चे स्काउट गाइड से प्रशिक्षित हों और एक समाज में एक अच्छे नागरिक बनने की भूमिका अच्छे ढंग से। थैंक यू सर, थैंक यू ऑल ऑफ यू। आगे चलते हैं, हमारे कुछ बच्चे हैं जो ग्रुप में काम कर रहे हैं और इनके ग्रुप लीडर से बात करेंगे कि कल इनका क्या क्या प्रोग्राम है। तो ग्रुप लीडर कौन है भाई आपका? आइए खड़े होइए, खड़े 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 ये अपना नाम बताइए, कल का क्या प्रोग्राम है बताइए। मैं हूँ अंजलि और हम लोग बनाएंगे लाल मोहन और प्लान है। एक्चुअली भी लाल मोहन को रसगुल्ला बोलते हैं यहाँ, इन लोग अपनी भाषा में लाल मोहन बोलते हैं। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट ग्रुप सेकंड है, आपका लीडर कौन है? आइए खड़े होइए, अपना नाम बताइए, कल का क्या बनाएंगे बताइए। मेरा नाम ज्योति गौड़ है। कैमरा फेस करिए। मेरा नाम ज्योति गौड़ है, हम कल छोला समोसा बनाएंगे। ये कल का इनका टास्क है छोला समोसा, इनके ग्रुप के बच्चों की पिक लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, ये ग्रुप नंबर थर्ड, ग्रुप लीडर कौन तुम्हारा? चलिए आइए खड़े होइए, अपना नाम बताइए, कल क्या बनाएंगे बताइए। मेरा नाम पुष्पा है और कल सेवई पूरी और सब्जी बनेगा। कल का इनका जो टास्क है सेवई पूरी सब्जी, तो क्या पूरी क्वांटिटी में पूरा बना खिला देंगे कि खुद बनाएंगे घर से लेके आएंगे? अच्छा, सबसे बड़ी बात है कि ये बच्चे सारे खुद बनाएंगे, यकीन नहीं होगा कल मैं आपको दिखाऊंगा, बच्चे खुद बनाएंगे। और आज की चलते हैं, क्या नाम है आपका? शांति प्रजापति। कल क्या बनाएंगे आप? परेठा और सब्जी। परेठा आलू का कसका? आलू का परेठा बनाएंगे ये लोग, परेठा का पराठा, हाँ पराठा, आलू का पराठा बनाएंगे और ये सबको खिलाएंगे। तो भरपेट खिलाओगे, कैसे खिलाओगे? भरपेट, चलिए ठीक है। आगे चलते हैं, नेक्स्ट ग्रुप लीडर कौन है? ममता गौड़। नाम बताइए। ममता गौड़। कल क्या बनाएंगे आप? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा, लिट्टी चोखा मतलब कि भौरी चोखा। हाँ, चोखा किसका? आलू का। अच्छा, ये बिना बर्तन खाना बनाओगे? बिना बर्तन का। कल इनका जो टास्क है कि अगर आप डिजास्टर मैनेजमेंट पे हैं, आपके बर्तन सारे लॉस्ट हो गए मतलब कि खत्म हो गए हैं, तब उसके उपरांत आप खाना कैसे बनाएंगे? तो कल बनाएंगे ये लोग भौरी चोखा, लिट्टी चोखा बोलते हैं आप। नेक्स्ट चलते हैं बॉयज कैटेगरी में, बॉयज कैटेगरी का फर्स्ट लीडर बॉयज कैटेगरी में कौन है? अपना नाम बताइए, कल क्या बताएंगे? कृष्णा चौधरी। ये कृष्णा चौधरी क्लास क्लास 10। कल क्या बनाओगे? खीर पूरी सब्जी। खीर पूरी सब्जी, पूरी किसकी? किसकी? आटे की। चलो कल आटे की पूरी बनाएंगे, इनके ग्रुप की फोटो ले लीजिए, ठीक है? चलिए ग्रुप लीडर कौन है? ग्रुप लीडर ये क्लास बताओ। राष्ट्रपाल है, माय नेम इज अंकित बड़े। अंकित पटेल, कल क्या बनाओगे बेटा तुमने? जिस हमारा टीम है और हम लोग कम बजट में पनीर बनेगा और चावल और पूरी।
ये कल का इनका टास्क कम बजट में, कम बजट में पनीर चावल पूरी, हम तो समझ नहीं आ रहा हमको। नहीं सर, हम लोग हिसाब से, ये लोग अमीर आदमी है, इनके लिए कम बजट है और हम लोग साथ गरीब आदमी है, इसलिए हम लोग ज्यादा लग रहा है। नहीं नहीं हाँ, फिर क्या, फिर बताइए क्या बनाएंगे। नहीं कम बजट, कम आपने पहले बताया कम बजट में, कम बजट पनीर तो नहीं आता कोई मिला के, ये अपने हिसाब से बनाएंगे बच्चे। नेक्स्ट चलते हैं, थैंक यू सर, थैंक यू सर। ये चलते हैं, ग्रुप लीडर कौन है तुम्हारा, आ जाओ इधर आ जाओ। ये है ग्रुप, नेक्स्ट ग्रुप लीडर नाम बताओ ना। राहुल कुमार मौर्या। राहुल कुमार मौर्या, क्लास 10। क्लास 10, कल क्या बनाओगे तुम लोग? लिट्टी चोखा। लिट्टी चोखा मीन्स भारी चोखा, ठीक है। चोखा किसका? आलू। आलू और प्याज। प्याज, हरा मिर्चा, नीमक, नहीं नमक। एक्चुअली देखिए, मेरे कहने का मतलब ये था कि इन बच्चों को पता है कि सर्वाइव कैसे करना है। हम लोग लिट्टी चोखा बना रहे हैं कल। हाँ, इनका ग्रुप देख लीजिए, कल ये है, मिलेंगे हमको, देखते हैं कल कौन कौन खिलाता है। नेक्स्ट चलते हैं, ग्रुप लीडर कौन तुम्हारा? कल क्या बनाओगे तुम? पूड़ी बनाएंगे, और सादा में मतलब मिक्स करके सब्जी बनाएंगे, अब पकौड़ी बनाएंगे। पूड़ी, सब्जी और पकौड़ी। तो बजट पैसे का सबसे बड़ा इशू हो गया सर जी, हो गया। अच्छा अच्छा, इसके लिए पीछे नहीं हटते हैं आप लोग के लिए। अच्छा अच्छा, नहीं हमारे लोग के लिए नहीं, ये आप लोग का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। यस सर, ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। ग्रुप लीडर कौन तुम्हारा? हमारे यहाँ। हाँ हेलो, क्या नाम तुम्हारा? रविशंकर कन्नौजिया। क्लास 9। कल बेटा क्या बनाओगे आप लोग? सर पूरी सब्जी बनाएंगे। पूरी सब, सारे पूरी सब्जी बना रहे हैं भाई, क्या बात। सर सर, कम बजट में बन जाएगा, जैसे बजट की थोड़ा। नहीं नहीं, वो हम समझ रहे हैं तुम्हारे बजट की बात, लेकिन अधिकांश लोगों में 10-12 ग्रुप बना है, अधिकांश तरह पूरी और सब्जी बना रहे हैं। हाँ। तो अगर मान लीजिए डिजास्टर मैनेजमेंट हो रहा है, मतलब कहीं भूकंप आ गया, कहीं कुछ आ गया, तो पूरी मिलेगी क्या आप लोगों? नहीं सर, वही हम कह रहे थे लिट्टी और। एक्चुअली बेटा ये ट्रेनिंग प्रोग्राम है और आपको सर्वाइव के लिए किया जाता है, तो वो क्या बनाएंगे कि आप इसे जीवन अपने यापन कर सकें, उस पर है आप डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें ग्रुप चलते हैं, ये देखिए एनएसटी हमारी है। ग्रुप लीडर कौन है इसका, क्या नाम था? क्लास कल क्या बनाओगे तुम लोग? सेवई और सेवई लिट्टी चोखा, वो सत्तू वाला कि सादा वाला? सादा वाला, सादा वाला लिट्टी भारू चोखा। चोखा किसका? आलू का। चलिए जैसे मान लीजिए कि हम लोग कोई आता है जंगल में, है तो ये खाने पीने का रहता नहीं है, तो हम लोग आग का लेके जाते हैं अपने पास, और वहीं पे उसको बला करके, और आग में इधर देखो तुम, और आलू का है तो उसी आग में उसको बना देंगे। थैंक यू बेटा। मेरा ये दिखाने का मतलब ये था कि ये ट्रेनिंग एक्चुअली इनके लिए इसलिए है कि सर्वाइव पे, इस बचपन में ही इनको ये सिखा दिया जाता है कि सर्वाइव कैसे करेंगे। तो इसके साथ ही ये हमारे राष्ट्रीय इंटरनेट कॉलेज बालिस का बच्चों का प्रोग्राम है, कल हम मिलेंगे फिर लाइव। इसके साथ ही जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू, लव यू।